के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। अब हमने जो है अपने गांव का भी, शहरों का तो विकास हो रहा है और टाउन का भी विकास हो रहा है, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से किस प्रकार हम अपने गांव का विकास करें, ये बहुत ही एक सोचने बात है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जहां हम बैठे भी हैं, कभी ये भूमि आवाज़ हुआ करती रही होगी और आज अधिकांश खेत जो हमारी भूमि है, जो हमारे पुरखों ने पता नहीं कितनी मेहनत करके मैं तो एक काबिल समझ रहे कि आज का ये समारोह में मैं तो आमंत्रित कर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जो है सोच ले कि आप चनाचन समाज में मैं जो जो तुम तो आज कम लदे ना हूं तो जान जात हां उन पैर विकास इंदा छम अच्छा कघड़े ने नु राजियाल और सावन सेंडो है। से समाज सेवी श्री राणा जी और इस मंच को बखूबी संचालित करते हुए श्री सुंदरियाल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु श्री जगमोहन डांगी जी, यहाँ पर अपार उनका भी लगातार हमें इस कार्यक्रम में सहयोग मिल रहा है। उन सभी का मैं
पूरी ग्राम सभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूँ। तक के कारण कम समय में कार्यक्रम निपटा के चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया था कि कार्यक्रम होगा तो होगा, और जब किसी भी चीज़ का दृढ़ संकल्प आप लोग कर लो तो वो चीज़ होती है तो होती है। टांगी का वस्त्र अलंकरण करने का कष्ट करें। ग्रामीण पत्रकार है पहाड़ों की आवाज के, एक बार जोरदार तालियों में आपके आज और कौन कितने प्रोग्राम कर दिए? हमने आज पहले सरस्वती वंदना प्रारंभ की है, उसके बाद हमने सात समुद्र पार में गाना गाया और बद्री विशाल जी की पूजा की है, पूजा अर्चना की है। इसके बाद हमारा पांडव की पंच केदार यात्रा होगी, तो आप जरूर देखिएगा। ये कहाँ से इतनी प्रेरणा मिली और आपको मार्गदर्शन और प्रेरणा स्रोत कौन है? हमारे प्रेरणा स्रोत हैं माननीय श्री प्रताप जी, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, और वो हर साल जहाँ भी पंचायत महोत्सव होता है बच्चों को वहाँ पे मौका देते हैं कि ताकि अगली पीढ़ी को भी समझ सके वो कि गायन क्षेत्र कितना बढ़िया हो सकता है। नमस्कार, जय उत्तराखंड। आज हम थे ग्राम पुरी गांव में, जहां पर चलो गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन जगदम्बर डंगवाल जी ने किया, और उन्होंने हमारी विशेष कवरेज के लिए पहाड़ों की आवाज़ परिवार का हार्दिक धन्यवाद किया, और तो मैं उनका पूरे पहाड़ों की आवाज़ परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मैं आपका शुभ नाम प्रधान जी? मेरा नाम जयवीर सिंह रावत। आप तो मेरे ख्याल से मल्लीपल्ली के ग्राम प्रधान और प्रधान संघ के उपाध्यक्ष विकास खंड कलजीकाल, अधिकतर आप ज़्यादातर पौड़ी रहते हो, लेकिन आपका इन बच्चों के प्रति कैसा आया कि आपने इनकी मदद करनी है? लगातार जो भी अधिकारी से आप संपर्क करें जनप्रतिनिधि, मुझे भी आपने बार बार प्रेरित किया कि डांगे जी आप पहाड़ों की आवाज़ आम जनमानस की आवाज़ है, लेकिन आप हमारे उन बच्चों के लिए एक बार आओ तो सही। तो मैंने आपको आश्वासन दिया था कि मैं जरूर हेल्प करूंगा, और चौहान जी को भी मैंने इस बारे में परसों बताया कि आप कंबल वितरण कर रहे हैं, तो मैंने उनकी संज्ञान में बात डाली, तो तुरंत उन्होंने मुझे बुलाया और आज उन्होंने अपने बड़े बालक त्रिलोक सिंह चौहान जी को लिए, सर्दी का मौसम भी बहुत ठंड भी हो रही है, आज इनकी ठंड को देखते हुए यहाँ पर कंबल भेजे। क्या कहेंगे आप चौहान जी के लिए? सर्वप्रथम डांगे जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस गरीब बच्चों की मदद के लिए, और पुनः मैं एक बार धन्यवाद चौहान परिवार को करता हूँ, जो कि पिछले पहले भी जब ये घटना उनको घटित हुई थी अनित ग्राम सभा में, तो उसके पश्चात मैंने फिर चौहान जी को उस समय भी वार्ता की थी, तो उस समय उन्होंने भी खाद्यान्न सामग्री और अन्य सामग्री उनको वितरित की थी, और एक बार पुनः इस ठंड के मौसम में उनके द्वारा इन गरीब बच्चों को कम्बल वितरित किए गए, तो मैं चौहान जी सुंदर सिंह चौहान जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ उन्हें। और डांगी जी, जैसे कि आपको बताइए कि मैंने आपको हर बार इस विषय में आपको अवगत कराया था, और आपके अलावा माननीय विधायक मुकेश कोहली जी, माननीय प्रधान संगठन प्रमुख संगठन के अध्यक्ष महेंद्र राणा जी, हुआ हमारे कलजीखाल की प्रमुखा श्रीमती बीना राणा जी को भी मैंने संचार माध्यम से अवगत कराया था, लेकिन परंतु उनके द्वारा पूरी आश्वासन दिया गया कि जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा उसके पश्चात हम उनकी मदद करने लिए आएंगे, परंतु आज तक वो कोई भी अधिकारी और कर्मचारी और कोई भी जनप्रतिनिधि देखने नहीं आया। प्रधान जी, आप यहाँ पे तो ये प्रधान जी यहाँ पे लगातार सहयोग में बने हुए हैं, ये मैं यहाँ पे इस गांव के भी बहुत से जनप्रतिनिधि सरकार में अहम उसमें
राज्य मंत्री तब इस गांव के हैं, तो उनकी तरफ से भी क्या इन बच्चों के इतने प्रसार प्रसार हुआ सोशल मीडिया में देख रहे, तो कोई सहयोग नहीं हुआ क्या? यहाँ के राज्य मंत्री हैं शायद राजेंद्र प्रसाद जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके द्वारा कुछ मदद हुई होगी। वो देखना है आपको राजेंद्र अठावाल जी, तो इन बच्चों के द्वारा मालूम हुआ कि राजेंद्र अठावाल जी जो कि राज्य मंत्री अभी गौरक्षा मंत्री, तो उनके द्वारा भी कोई मदद नहीं की गई और मेरे द्वारा भी उनसे कोई आह्वान नहीं किया गया। क्योंकि हंस फाउंडेशन अपने आप में ये उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत में जो है उन अनाथ और उन गरीब बच्चों की मदद कर रही है जो असहाय लोग हैं, तो क्या उनके पास इनकी सूचना नहीं गई आपके माध्यम से? नहीं सर, मेरे द्वारा उनके संरक्षक पदविंदर भाई टैगो भाई को मैंने संचार माध्यम से कॉल की थी, तो उनके द्वारा भी मेरी बात हुई थी कि इनकी मदद की जाए और इनके बारे में मैंने उनको अवगत कराया था, तो उन्होंने भी उस टाइम मेरे से यही कहा था कि प्रधान जी एक बार लॉकडाउन ख़त्म होने के पश्चात हम उनकी जरूर सुध लेंगे, परंतु दो चार दिन पहले मेरे टैगो भाई से फिर उन्हें बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि अभी देखेंगे कुछ दिनों बाद। अब प्रशासन अगर समाज कल्याण बाल विकास और जिलाधिकारी महोदय से इन बारे में संपर्क किया आपने? जी सर, मैंने वन वो क्या बोलते हैं वन ऑफ सके सेंटर महिला सशक्तिकरण बाल विकास से भी मैंने बात की थी, तो मैंने महिला सशक्तिकरण बाल विकास के विभाग से यहाँ मैं एक कर्मचारी को भी भेजा था, और एक बार बाल विकास विभाग से कई कर्मचारी यहाँ आए थे, और समाज कल्याण अधिकारी के लिए पेंशन की बात की थी, तो उन्होंने अभी यहाँ जांच के लिए आना है, तो उन्होंने कई एक महीने से हो गया जांच के लिए नहीं आए। मैंने कल फिर उन्हें बोला उनको कि आश्वासन बोला उनको कि आप देखने आए क्षेत्र में और उन महिला उन बच्चों की बारे में जांच करें कि वो अनाथ हैं कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि जांच करने के पश्चात ही हम उनको सुविधाएँ दे पाएंगे। धन्यवाद। सराहनीय प्रयास है ये, उत्तराखंड देवभूमि एक समस्या से जूझ रहा है, वो जुजुड़ूच पलायन से जी। पलायन क्या सरकार रोक सकेली? अगर रोक सकती तो पिछले 20 सालों में अभी तक रोक सके, बट अभी तक इन वह चली जाए तो पलायन कनके रुकलू ये खुण, जब पूरू जो जनता च जो पूरू समाज च जब वो समझ आलो तभी पलायन से रुके जा सके, और वे जागृति का पूरी जो समाज जुड़ जाओ पलायन तो रुकना का वास्ता रिवर्स पलायन करने का वास्ता वे तो जागृति पैदा करना खोलो, ये जो कार्यक्रम एकदम प्रस्तुत करेंगे कि चलो गांव की ओर, बहुत ही सार्थक विषय पर ये कार्यक्रम ग्राम पंचायत कुड़ी गांव द्वारा आयोजित करेंगे। जय माँ श्री जगदम्बा डंगवाल जिन्ना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो मैं ये प्रयास की बहुत बहुत सराहना कर दूँ और उम्मीद कर दूं कि ये प्रयास से अन्य ग्राम पंचायत भी और पूरा उत्तराखंड के अंदर एक सकारात्मक संदेश जालू और बहुत अन्य से लोग बहुत सारा लोग जुड़ला वो अभियान से कि चलो गांव की ओर, तो श्री जगदम्बा के बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत शानदार प्रयास और जो गांव गांव बंजर हो गए श्री जगदम्बा डगवाल जी था, क्योंकि नगर क्षेत्र में ये कार्यक्रम तकर छाए चलो गांव की वो उनकी बहुत ही बढ़िया पहलकारी, और यही पहल का क्रम में वो अपना गांव में ये पूरे गांव में ये कार्यक्रम तो आयोजित करा जाए ना, और भी बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ इनका ग्राम प्रधान जितने जौन और ये सरल समस्त गाँव से था जौन की आज हमने द्वितीय दिवस में विशिष्ट अतिथि मनाने को बहुत मोहब्बत आई, ये बहुत ही बड़े कार्य उनके ये बहुत ही अच्छे संकेत, और ये मगे जरूर गांव लगा जरा सी शिक्षा मिले ली कि भाई ये तरह का भी जो सांकेतिक कार्यक्रम विकास का वास्ता गाँव में होता ना अजन की ब्रिगेड सावन वाली कि भाई सरकार की तरफ से अगर 20 साल में प्रयास हो तो जरूर प्लान को दो, लेकिन प्लान का वास्ता आयोग बनेंगे ना, लेकिन अभी तक वो वक्ति इन मतलब जो उसकी वो धरातल में कभी नजर नहीं आई, और जन की मतलब भी चांद कि जन हम अपना जो सब कुछ मतलब जो कि छोड़ी की और गाँव का सेवा में एक लगा जा हम जाना जा कि गाँव में जो कि विकास हुआ, और यही कड़ी में भी गाँव में आएगी और क्षेत्र पर गाँव प्रतिनिधि बनेकर गाँव की और क्षेत्र की गाँव में लगातार यार प्रयासी लोग बंजर की आवास कारण, और ये तो उम्मीद है कि जरूर लोग ये चीज़ पर ध्यान दे रहा, और भी पुणे आप चैनल से भी आप तभी और ये आयोजन कार्यकर्ता होता बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड।
मैं तुम जरावर पहाड़ों की आवाज़ में, और आज हम हैं कुड़ी गांव में, जहां पर 3 दिवस का चलो गांव की ओर महोत्सव का आयोजन किया गया था और आज इसका समापन दिवस है। तो मैं तुम जरावत वरिष्ठ पत्रकार जम्मू और नाइन के साथ, नमस्कार। मैं तुम जरावत ग्राम पंडित से पट्टी कपोल से जिला पौड़ी गढ़वाल से, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था आपको सहयोग जरूरी छे, आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखिया। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते सेकी समा लियावा, ए जावा ए जावा।